देखा यूट्यूब के सेम सेक्स अब्यूज, फिजिकल अब्यूज या मेंटल अब्यूज, उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कोई मतलब पुलिस स्टेशन में जैसे हम उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं या नॉर्मल कोई भी। सी मैंने इसके पर सही बोले, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, बिकॉज अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के लिए तो चल रहा है, और पूरे देश में भी बात चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ की जाए, इसके लिए कानून बने। लेकिन सेम सेक्स रिलेशन में अगर कोई क्राइम हो जाता है, इसके ऊपर कोई लॉ है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का अगर कोई लड़की को टीज कर रहा है या मान लो स्टॉकिंग कर रहा है, स्टॉकिंग मतलब कोई पीछा कर रहा है, कोई लड़का लड़की का पीछा कर रहा है, तो सेक्शन 354 IPC में बना है, लड़की कंप्लेन कर सकती है लड़के के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 354 कि ये स्टॉकिंग कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन अगर कोई लड़का लड़का का पीछा कर रहा है रिलेटिंग टू सेक्सुअल रिलेशन ओनली, ऐसे नहीं कि अगर कोई मान लो कि मारपीट के लिए दोस्त में, मैं बात कर रही हूँ सेम सेक्स रिलेशन में, कोई अगर कोई आपको परेशान कर रहा है कि मेरे साथ रिलेशन बनाओ, इसके लिए वो आपका पीछा कर रहा है, आपको हमेशा स्टॉक करता है, इवन सोशल मीडिया पे भी स्टॉकिंग वो आजकल होती है वो कर रहा है, तो 354 में ऐसा प्रोविजन ही नहीं। बिकॉज सेक्शन 354 में जो स्टॉकिंग का प्रोविजन है दैट सेज कि अगर कोई मैन वुमेन को स्टॉक कर रहा है तो ही कंप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई लड़की कहे कि लड़की मेरे पीछे पड़ी है, आजकल जो सेम सेक्स रिलेशन बढ़ रहे हैं काफी सोसाइटी में, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकती लड़की के अगेंस्ट। तो ये लॉ ही नहीं हमारे देश में अभी नहीं है, ये होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई मेड दैट वीडियो कि ये होना चाहिए। अभी तक इस बारे में सरकार का भी कहीं ध्यान नहीं आया है, नॉट इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज थॉट ओवर दिस, और बात चल रही है सेम सेक्स मैरिज की। हालांकि अगर कोई आपके साथ में सेक्सुअली अब्यूज करता है, यानी कोई रेप करता है, कोई आपके साथ में रेप का एक्ट करता है चाहे वो सेम सेक्स हो, लाइक इफ अ गर्ल रेप्स अ गर्ल और अ बॉय रेप्स अ बॉय, देन सेक्शन 377 जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया है, तुम पूरा नहीं क्वैश किया है, वो क्वैश किया है आपकी कंसेंट से अगर आप किसी सेम सेक्स रिलेशन में हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्राइम नहीं है। लेकिन अगर सेम सेक्स में कोई आपके साथ रेप कर रहा है तो वो सेक्शन 377 में आप कंप्लेन कर सकते, विच मीन्स रेप इज अ क्राइम इन सेम सेक्स अंडर सेक्शन 377, तब आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लाइक स्टॉकिंग कर रहा है या कोई ऐसे ही परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है उस तरह से जैसे लड़का लड़की को करते हैं, तो वो अभी 354 में वैसा चेंज नहीं आया। उसमें मतलब छोटे लेवल पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते आपने सेल्फ डिफेंस के लिए या एग्जैक्टली वेरी गुड, ये कर सकते हो आप, बिकॉज एट द मोस्ट वो क्राइम तो है ना। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करनी ही चाहिए, अगर इवन इफ देयर इज नो प्रोविजन, बट व्हेन यू हैव डन अ कंप्लेंट देन यू आर ऑन अ सेफर साइड। कुछ आपके साथ कल को होता है दैट यू कैन से दैट आई हैव कंप्लेंट इन द पुलिस, अगर वो कोई कदम आगे बढ़ाता है तो फिर आप उसको भी बोल सकते हो सी आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द पुलिस, उसको भी थोड़ा सा ये होगा कि प्रेशर, अच्छा इसने तो फर्स्ट स्टेप पे ही कंप्लेंट कर दी, दैट मींस मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती। ऑलवेज क्राइम में ये देखना चाहिए कि व्हेन यू हैव रेज्ड योर वॉइस इन द फर्स्ट स्टेप, अगर आप पहले ही स्टेप में वॉइस रेज कर देते हो तो ये सामने वाले जो परपेट्रेटर होता है, जो भी क्रिमिनल है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है आगे उस स्टेप को बढ़ाने के लिए, वो कदम बढ़ाने के लिए। इवन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, लेकिन आप पुलिस में कंप्लेन करो, आप उसमें हो सकता है कि उसमें और जो बातें आप बताओगे उसमें कोई और सेक्शन फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको धमकी भी दे रहा है सामने वाला, तो धमकी का तो सेक्शन है, अगर वो मान लो आपको उसमें कोई ऐसी बात बोल रहा है जिससे कि आपकी मानहानि हो रही है, हाँ एब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहा है जिससे आपका डिफेमेशन हो रहा है, तो डिफेमेशन का तो लॉ है, तो वो सेक्शंस डल सकते हैं, एटलीस्ट एक कंप्लेंट तो हो जाएगी। ओके, डिफेमेशन कॉग्निजेबल नहीं है ना? यस, डिफेमेशन इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि उस पे FIR नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट हो सकती है, क्योंकि जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं है वो भी पुलिस ले सकती है, पर पुलिस उसमें FIR नहीं करती, उसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बना के आपको देती है, दैट इज कॉल्ड एन NCR।
जिसको बोलते हैं NCR, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट बना के देंगे. देन व्हाट यू विल हैव टू डू, उस NCR को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो और एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो अंडर सेक्शन 500 ऑफ IPC, जो कि डिफेमेशन का सेक्शन है. बट पुलिस में जाने से ये होता है कि आपने इमीडिएटली तो देखो कोर्ट में नहीं जा पाओगे, कोर्ट में जाने में टाइम लगेगा, आप वकील करोगे, कंप्लेंट बनाओगे. आपने इनिशियली इमीडिएटली जाके पुलिस स्टेशन में NCR कर दिया, नाउ यू हैव द कॉपी, अब आप थोड़ा आराम से भी कोर्ट जा सकते हो. लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप तो इमीडिएटली ले लिया. एंड समटाइम्स जो सामने वाला जो व्यक्ति होते हैं जिसने क्राइम किया है वो भी रुक जाता है एक NCR करने पे भी. सो देयरफॉर पुलिस में जाना चाहिए इवन इफ दैट इज नॉट कॉपी. ठीक है, सो आई होप बहुत सारे क्वेश्चन का सबको आंसर मिला है.